लोकसभा चुनाव में अपनी सीट मजबूत करने के लिए भाजपा की तरफ से गुरुदासपुर के उम्मीदवार सनी देओल की बात करें तो उनके फिल्मी सफर को लेकर ही आज बात हो रही है। उनकी फिल्मी सफर और उनका फिल्मों में टैलेंट दिखाना ही उनकी चुनावी दंगल में भिड़ना मुश्किल बन गया है। जी हाँ, चुनावी दंगल में खुद को बेहतर साबित करने के लिए दमदार एक्टर सनी देओल को फिल्मी सफर से दूरी बनानी ही पड़ी है। तो वहीं दूसरी तरफ उनके फिल्मों को दिखाने को लेकर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस ने उनके लिए एक बड़ा झटका उन्हें देते हुए मुश्किल लाकर खड़ा कर दिया। वोटिंग से पहले ही सनी देओल को झटका लगा है क्योंकि उनका चुनाव प्रचार मुश्किल करने के लिए कांग्रेस ने बड़ी साजिश रच दी। जी हाँ, जानकर यकीन आपको ना हो लेकिन ये सच है कि कांग्रेस की शिकायत में चुनाव होने तक सनी देओल की फिल्म ना दिखाने की अब मांग की गई है। सनी देओल की छवि बेहतरीन है फिल्म ब्लैंक में, जिसको लेकर हाल ही में खूब चर्चा हुई। ऐसे में कांग्रेस का मानना है कि फिल्मों के प्रसारण के माध्यम से भाजपा अपने उम्मीदवार सनी देओल के लिए वोटरों को इकट्ठा करने की कोशिश में फायदा उठा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सचिव अमित मंटू ने मुख्य चुनाव आयुक्त सीईओ पंजाब और जिला निर्वाचन अधिकार कम डीसी रामवीर को इस पत्र सौंपते हुए शिकायत पर बात की है। शिकायत पत्र में टीवी चैनलों पर सनी देओल की फिल्मों के प्रसारण पर भी एतराज जताया गया। तो वहीं मंटू ने ये भी कहा कि भाजपा उम्मीदवारी की फिल्में चैनलों पर लगातार दिखाई जा रही हैं, तो ऐसे में वीडियो को फैलाना और इस तरह से आदर्श संहिता का उल्लंघन करना ही तो है। भाजपा पर आरोप लगने पर सनी देओल को लेकर फिल्मों का प्रसारण जो बढ़ गया है इन दिनों, इससे कांग्रेस काफी ज्यादा परेशान है, जिसे रोकने के लिए चुनाव को प्रभावित करने की तरफ बात की जा रही है। सनी देओल की फिल्मी इमेज काफी शानदार है और भाजपा को लेकर ये काफी ज्यादा बेहतर है, इसलिए 19 मई तक सनी देओल की फिल्मों का प्रसारण टीवी चैनलों पर बंद करवाया जाए, ऐसी डिमांड कांग्रेस की तरफ से आई है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।